ओम नमः शिवाय। श्रावण मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार सप्तमी तिथि दिन भर लगी रहेगी। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में शाम 6:15 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। स्वाति नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी राहुदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, धार्मिक, लोकप्रिय, सफल व्यापारी, खुश रहने वाले और वैभवशाली होते हैं। ऐसे जातक संवेदनशील, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, पूर्वानुमान लगाने में कुशल, तीव्र स्मरण शक्ति वाले, तर्क शक्ति से युक्त, उच्च अभिलाषी और नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वाले भी होते हैं। ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों वाले, त्वरित आवेश में आने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा राहु व शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी तुला राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। सूर्य आज से सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि सूर्य की अपनी राशि है। पिछले एक महीने से सूर्य और राहु की युति कर्क राशि में ही बनी हुई थी। इस दौरान जन्मे शिशुओं के साथ पितृ दोष लगा रहा। ऐसे जातकों के कुंडली में पितृ दोष की शर्त पूरी होगी, जिसकी शांति करनी चाहिए। मेष राशि के जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों बढ़ा रहेगा। हर काम आसानी से संपन्न होंगे। भ्रमात्मक स्थिति कायम रहेगी और साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। काल सर्पयोग आपके चौथे भाव सुख भाव से गठित है। निजी सुख संतुष्टि में कमी, माँ के स्वास्थ्य की चिंता, जमीन जायदाद संबंधी विवाद और दोषारोपण इत्यादि की संभावना भी बनती है। सावधानी अपेक्षित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी और अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें। वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सुधार महसूस होगा। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों छठवें भाव में चल रहे हैं। नकारात्मक विचार संभावित है और मन अनावश्यक रूप से भयग्रस्त रहेगा। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए अनुभव प्राप्त होंगे। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। गुरु और चंद्रमा की युति पांचवें घर में नए आयाम स्थापित करेगी और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। मगर कुछ कामों में भ्रमात्मक स्थिति भी बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर उचित निर्णय लेना चाहिए। जोखिम वाले आर्थिक निर्णय आज के लिए स्थगित कर दें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है। मगर अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए टाल दें। वैचारिक तालमेल और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें। साथ ही साथ सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा भी बनता है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। सिंह राशि के राशि स्वामी सूर्य आपकी राशि पर ही आ चुके हैं। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता मिलेगी। सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर अनावश्यक वाद विवाद, दोषारोपण, विरोधियों से सावधानी और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए।
कन्या राशि के जातकों के वाणी में तेजस्विता और प्रभावशाली ढंग से पेश करने की रचनात्मक पहल विकसित होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सकारात्मक पहल सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेंगे। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और यात्रा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें मगर अधिक आर्थिक जोखिम वाले निर्णय से बचें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही विरोधियों की साजिश से सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों की रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी। आर्थिक लाभ, अतिरिक्त जिम्मेदारी और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी मगर कार्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। पुरानी समस्याओं की पुनरावृत्ति संभावित है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च, निजी निवेश और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है मगर कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता और सरकारी सहयोग भी संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। साथ ही यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सचेत रहें। चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। धनु राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे मगर आर्थिक लेन देन के साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ संबंधी सावधानी, अनावश्यक वाद विवाद, वाणी में उतावलापन और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी संभावित हैं। सावधानी अपेक्षित है। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। आज का दिन कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों के दिशा निर्देश और सहयोगियों के साथ बीतेगा। कार्य क्षेत्र का नेतृत्व सफलतापूर्वक ढंग से करेंगे। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे मगर संतान संबंधी चिंता, पारिवारिक सुख सौहार्द में कमी, निजी रिश्तों में गलतफहमी, साझेदारी में विवाद संभावित है। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र के लिए भाग्यशाली रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। अपनी योजनाओं में सुधार का मौका मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है मगर विरोधी परास्त रहेंगे और आत्मविश्वास में कमी, सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप और विवाद की संभावना भी बनती है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। भावनात्मक लगाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिक परिश्रम और भाग दौड़ वाला बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। चंद्रमा व बृहस्पति के आठवें भाव में चलने की वजह से मन में नकारात्मक भाव, उत्साहहीनता की स्थिति और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उतार चढ़ाव संभावित है। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा मगर अधिक जोखिम वाले आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।